एवरग्रीन सीनियर सिटीजन क्लब उल्लासनगर के सदस्य हर महीने कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें उस महीने में आने वाले सदस्यों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। इस महीने संस्था के अध्यक्ष देवीदास भारवानी ने सदस्यों को पार्ले जी फैक्ट्री ले जाकर बिस्कुट कैसे बनते हैं वह दिखाया। जय झूलेलाल, जय श्री कृष्ण। मैं देवीदास भारवानी, एवरग्रीन सीनियर सिटीजन क्लब का प्रेसिडेंट। मुझे ये बताते आज बहुत खुशी हो रही है कि अंबरनाथ में बंटी फूड प्रोडक्ट्स है जो पार्ले बिस्किट बनाते हैं पार्ले जी, और राजावीर बेकर्स है जो राजावीर ब्रेड बनाते हैं। इन दोनों की तरफ से मुझे इनविटेशन था कि सीनियर सिटीजन को लेकर आइए, उनको हमारी फैक्ट्री दिखाइए, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि मैं अपने साथ 80-90 लोगों को लेकर आया हूँ जिन्होंने पार्ले बिस्किट कंपनी भी देखी, वहाँ प्रोग्राम भी किया, बाद में उन्होंने खाना भी खिलाया। एक बात राजू भाई मैं बताता हूँ कि ये पार्ले बिस्किट कंपनी कैसे मेंटेन करती है, नहीं क्वालिटी में कोई फ़र्क है, नहीं रेट में कोई फ़र्क है। जहाँ भी जाओ हर कोई पार्ले बिस्किट खाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे शाहूकार हो। कोई मेहमान आता है तो उसके साथ चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट आता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसी कंपनी में आए हैं। उसके बाद हम राजावीर बेकरी के में गए जहाँ राजावीर ब्रेड बनती है। दादा ठाकुर दास ने हमें बहुत इज्जत से हमें बिठाया, फैक्ट्री दिखाई और नाश्ता पानी खिलाया और बुज़ुर्ग लोगों का सम्मान भी किया। मैं बहुत तहदिल से शुक्रगुजार हूँ दोनों मालिकों का, बंटी फूड प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर विनोद जी, सागर जी और शामू जी और अमित जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे ढंग से फैक्ट्री घुमाई और इज्जत से हमारा स्वागत किया। और श्री ठाकुर दास चांदवानी जी का भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने भी हमें अपनी फैक्ट्री दिखाई और ईमानदारी से दिखाई, एक एक बात अच्छी तरह बताई कि फैक्ट्री कैसे बनती है कोई और बाहर कैसे आती है, अलग अलग वजन के साथ कैसे बनती है, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम यहाँ तक कि 1.5 किलो तक भी वहाँ बनती है। मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सीनियर सिटीजन को उन्होंने ये फैक्ट्री दिखाई, हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। जय झूलेलाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।